हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। नाउ इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम बैटल ऑफ वाटरलॉग 1815। नेपोलियन डिसीव्ड व्हाट टुक प्लेस इन अ वाटरलॉग। नेपोलियन का जो आखिरी युद्ध हुआ था निर्णायक, वो कब हुआ था? 1815 में बैटल ऑफ वाटरलॉग में। इन दिस वॉर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सिया टुगेदर डिफीटेड नेपोलियन। और इस वॉर में क्या हुआ, इंग्लैंड ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया ने, पर्सिया ने, रशिया ने, चारों ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को फाइनली हरा दिया इस बैटल में। नेपोलियन वॉज इम्प्रिजेंड ऑन द आइसलैंड ऑफ सेंट हेलेना वेयर ही डाइड इन 1821। और इसे क्या दिया गया, जाल जेल में डाल दिया गया, सेंट हेलेना जेल की में, जहाँ पे क्या हुआ 1821 में फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश्ड होता है। यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या था हमारा, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट स्टैंड्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो आप क्या बताओगे, फॉर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखा था, जीन रूसो ने, तो आपको ये भी याद रखना है। मोंटेस्क्यू ने क्या लिखा था, से सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी। यहाँ पे टिथे क्या है, टिथे इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स जो कौन लेता है, क्लर्जी लेता है, यानी फर्स्ट स्टेटस लेता है। दूसरा को है टीले, टीले क्या है, डायरेक्ट टैक्स टेकन बाय फ्रांस रूलर यानी किंग। आई एम आई स्टेट्स का स्लोगन किसने दिया था, किंग्स लुई 14 ने दिया था। अब जब नेपोलियन हार जाता तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना कहाँ है हमारा, ऑस्ट्रिया में है। इस सम्मेलन में क्या हुआ, जो फोर कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उन्होंने क्या किया, बंटवारा किया कि कौन कौन सा एरिया किस किस को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी, ट्रीटी ऑफ वियना। आफ्टर द वॉर ऑफ वाटरलू इन वियना।